गरहेडे महाविद्यालय में 1970 से चल रहे एनसीसी केंद्र को बंद कर दिया गया है। शनिवार को इसकी जानकारी मिली। बताया गया कि महाविद्यालय में एएनओ की कमी के वजह से एनसीसी केंद्र को बंद कर दिया गया है। 8 जुलाई को एनसीसी के बंद होने का पत्र गरहेडे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार को प्राप्त हुआ। उस पत्र में महाविद्यालय के एएनओ के नहीं होने के वजह से एनसीसी केंद्र को बंद करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद से महाविद्यालय में एनसीसी केंद्र को बंद कर दिया गया। इस बाबत प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि जब पत्र उनको प्राप्त हुआ था, तब उन्होंने एनसीसी से संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को पत्र लिखा था कि गिरिडीह महाविद्यालय से एनसीसी केंद्र को नहीं बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कई बच्चे एनसीसी केंद्र में अग्निवीर, एसएसबी, सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे अन्य चीजों की प्रशिक्षण लेते हैं। पूर्व में एनसीसी के माध्यम से कई बच्चों का सिलेक्शन अलग अलग विभागों में भी हुआ है। दिए गए जवाब में प्राचार्य ने यह भी कहा है कि कॉलेज में एनसीसी केंद्र के लिए एनसीसी क्लासरूम, एनसीसी ऑफिस, 10 डमी राइफल्स, प्रशिक्षण के लिए बड़े मैदान आदि चीज है और जो भी कमी है उसे 2 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। विनीता कुमारी ने बताया कि 2016 से कोई परमानेंट एएनओ नहीं होने की वजह से बच्चों का प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद 2022 से 2024 मार्च तक मैं बच्चों को प्रशिक्षण दे रही थी, जिसके बाद मुझे ट्रेनिंग करने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के वजह से मैं ट्रेनिंग में नहीं जा पाई और कहा कि मैं अगले साल ट्रेनिंग करने के लिए चली जाऊंगी, जिसके बाद मुझे कॉलेज के प्राचार्य ने एनसीसी केंद्र में प्रशिक्षण छोड़ देने को कहा, जिसके बाद मैंने छोड़ दिया। पुनः एनसीसी केंद्र को चालू किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक उज्ज्वल तिवारी ने बताया कि गिरिडीह महाविद्यालय में एनसीसी केंद्र बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे जिले भर के सैकड़ों युवा प्रभावित होंगे। जिस प्रकार से एनसीसी के प्रति राजनीति किया जा रहा है वह छात्र हित के खिलाफ है। प्राचार्य को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा एबीवीपी एनसीसी केंद्र को पुनः खोलने के लिए आंदोलन करेगी। इधर गिरिडीह कॉलेज में एनसीसी केंद्र बंद हो जाने से एनसीसी कैडेट्स परेशान है। बंद होने का मुख्य कारण है एएनओ का न होना और कॉलेज में आपसी राजनीति होना। गिरिडीह कॉलेज में एनसीसी केंद्र में छात्र और छात्रा प्रशिक्षित होकर सेना में जाने का जज्बा रखते हैं और एनसीसी में प्रशिक्षण लेने से सेनाओं की बहाली में छूट मिलती है, लेकिन अब एनसीसी केंद्र बंद हो जाने से हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं अक्टूबर 2023 से मैंने यहाँ प्राचार्य पद पर योगदान किया। उस समय जो चिट्ठी आई थी कि इसका प्रावधान है कि 3 नोटिस आता है, प्रत्येक नोटिस का मैंने जवाब सकारात्मक जवाब दिया और रिक्वेस्ट किया कमांडिंग ऑफिसर से, ग्रुप कमांडर से, ऑफिस से, फिर बिहार एंड झारखंड के जो हेड है पटना में उनसे कि गिरिडीह कॉलेज में एनसीसी रहने दिया जाए। यह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और आदिवासी जनजाति और पिछड़े वर्ग का बहुल क्षेत्र है, उसके बच्चे पढ़ते हैं। वे बच्चे ICS PCS का एग्जाम नहीं दे पाते हैं और एनसीसी के माध्यम से बी सर्टिफिकेट की बी और सी और बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं BHU से। मैंने उनको भेजा हजारी बार, एक दिन उनका साक्षात्कार नहीं हुआ, दूसरे दिन नेक्स्ट डे गए वो तो उनको बहुत ही परेशान किया गया। वहाँ लिखित परीक्षा ली गई और उसको उनको फेल कर दिया, ये डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने कहा कि ये ट्रिपल MBA नेट क्वालिफाइड है, जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है नेट वो क्वालिफाई है, MEd किए हैं, ये एलिजिबल है और ठीक है। अगर योग्यता नहीं तो आप इनकी कॉपी दिखाएं, तुमने कॉपी भी नहीं दिखाया, इन्होंने ऑब्जेक्टिव की कॉपी नहीं दिखाया, सब्जेक्टिव कॉपी दे दिया। सब्जेक्टिव में 40 नंबर 1 नंबर दिया, क्या संभव है? IAS की परीक्षा भी इस तरह नहीं होती है। मैंने पूछा तो वो लोग को जवाब सही उत्तर नहीं दिए और उनका एक ही था विचार कि आपके एनसीसी नहीं रहने देंगे और एनसीसी यहाँ से हटा दिया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं आपके शहर गिरिडीह के होटल ब्लू बेल में। यहाँ के खाने के क्या कहने, यहाँ खाने की लोकप्रियता इतनी है कि हर लोगों के मन को भा जाता है। भोजन में इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर के सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध है। होटल ब्लू बेल में AC बैंक्वेट हॉल, AC रूम और रूफ टॉप की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें विवाह, जन्मदिन, सगाई, एनिवर्सरी जैसे पार्टी का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही होटल ब्लू बेल लेके आया है एक ही छत के नीचे अपनी एक और यूनिट, बालाजी स्वीट्स एंड स्नैक। यहाँ आपको मिलता है हर प्रकार की मिठाइयाँ और स्नैक्स, जिसमें आप गोलगप्पे, चाट, छोले भटूरे और साउथ इंडियन डिशेज का लुफ्त उठा सकते हैं। होटल ब्लू वेल का धमाकेदार लिमिटेड टाइम ऑफर, जिसमें आपको 99 के मेंबरशिप में टेबल फूड मेन्यू पर
25% तक की छूट। तो जल्द से जल्द इस ऑफर के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो आइए चलते हैं अपना होटल ब्लू बेल और लुफ्त उठाते हैं वहाँ के व्यंजनों का। हमारा पता है स्टेशन रोड गिरिडीह।